इंद्रभूषण शर्मा, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ। वर्ग चतुर्थ के लिए पाठ है चार। पाठ चार में संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो। संज्ञा में नाम का होना आवश्यक है। इसके तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास व्यक्ति का बोध कराता है, खास स्थान का बोध कराता है, खास वस्तु का बोध कराता है। जैसे मोहन, सोहन, राम खास व्यक्ति का बोध करा रहा है। जैसे पटना, दिल्ली खास स्थान का बोध करा रहा है। जैसे हिमालय खास स्थान का बोध करा रहा है, खास वस्तु का बोध करा रहा है। तो ये खास का बोध जहाँ कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बच्चा, पूरे बच्चा जाति का बोध करा रहा है। पशु, पूरे पशु का बोध करा रहा है। पक्षी, पूरे पक्षी का बोध करा रहा है। वृक्ष, पूरे वृक्ष का बोध करा रहा है। इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अब समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध कराता है, भाव का बोध कराता है। समूहवाचक संज्ञा तो जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। ये भेद समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का बोध कराता है, गुण दोष का बोध कराता है, ये भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और हैं, जो समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह में समुदाय का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके अंदर है वर्ग, सेना, भीड़, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और पांचवा और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें द्रव्य का बोध कराता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, घी, तेल, ये सब द्रव्य हैं। इन सबों का जो बोध कराता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी होता है, इसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से और जातिवाचक संज्ञा से समूहवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इस तरह भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। विशेषण से अच्छा, अच्छाई, बुरा से बुराई,
ये विशेषण से है, सर्वनाम से अपना, अपनत्व, ममता से ममत्व, ये सर्वनाम से है। और क्रिया से उड़ना, उड़न को पढ़ना, पढ़न को, तो ये क्रिया है। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से होता है। तो आप देखेंगे किताब में बहुत से शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है, जातिवाचक संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी और क्रिया से भी। इसमें जहाँ कठिनाई होगी फिर सहयोग लेंगे। धन्यवाद।